आज मैं आप लोगों को शत्रु विनाश के कुछ ऐसे टोटके बताऊंगा जिसको करने से आपके शत्रुओं का तो विनाश होगा ही, साथ ही साथ शत्रु कुछ भी करवा ले आप लोगों के ऊपर, कितना ही परेशान कर ले किसी भी तरीके से, वो आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सबसे पहला टोटका, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कोई शत्रु आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और अगर आपको किसी पे भी शक है कि, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके घर परिवार में जो भी आदमी है उसके ऊपर उसका सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, तो सबसे पहले आप 7 लाल मिर्च लीजिए, थोड़ा सा डेली का सूखा नमक लीजिए और थोड़ा सा कपूर लीजिए। उसके बाद उन सबको एक साथ आप हाथ में रखकर अपने सर से लेके पैर तक छुआ के 7 बार उसको उतारा कीजिए। उतारा करने के बाद 7 लाल मिर्च जो आपने ली हैं, कपूर लिया है और साथ ही साथ जो डेली का नमक है उसको जला दीजिए। ऐसा करने से शत्रुओं ने जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र कराया होगा वो सब वहीं ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों के ऊपर कोई भी गलत असर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है, आप इमली की 3 डालियां लीजिए और इमली की 3 डालियां लेने के बाद आप उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारिए, और उतारने के पश्चात आप ध्यान रखिए जो आप इमली की डालियां लेंगे उसको आप सबसे पहले जला लीजिए, और जलाते जलाते उसको उतार के एकदम से पानी के पात्र, आप पानी से भरा हुआ कोई भी पात्र लें उसमें उन जलती हुई ही इमली की डालियों को आप बुझा दें। ऐसा करने से शत्रु ने जो भी आपके ऊपर बुरा तंत्र मंत्र कराया होगा उसका असर खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है, जब भी सुबह आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम में आप नहाने का जो पानी लेंगे वो थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको नीचे जमीन पे गिराइए, उसमें आप शत्रु का 3 बार नाम लिखिए और बाहर निकलते समय उल्टे पैर से 3 बार उसके नाम को ठोकर मारिए, तो जो वो शत्रु होगा वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का विनाश भी होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर परिवार को शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप माँ बगलामुखी का एक यंत्र अपने घर में स्थापित करवाइए। ऐसा करने से अगर आप यंत्र घर में स्थापित करवाएंगे तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन सम्मोहन कुछ भी करवा ले, उसका कोई भी असर नहीं होगा। और नियमित रूप से माँ दुर्गा की और काली की पूजा कीजिए घर में। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है कि अगर आपको लगता है कि कोई शत्रु आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य पे सबसे ज्यादा असर कर रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है, तो आप उस घर के सदस्य को के ऊपर से थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए शनिवार के दिन, और 7 बार उसका उतारा करके किसी भी काले कुत्ते को पिला दीजिए। ऐसा करने से शत्रु ने जो भी आपके ऊपर बुरा असर, बुरा कोई भी नकारात्मक शक्ति छोड़ी होगी वो वहीं पे विनाश हो जाएगा उसका। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। आप थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए और एक रुई की बत्ती बनाइए, उसके बाद आप 7 बार उसको अपने ऊपर से उतारा कीजिए, और उतारा करने के पश्चात आप उस रुई की बत्ती को जला दीजिए। जलाने के बाद शत्रु की जो भी बुरी नजर आपके ऊपर लगी होगी वो सब बुरी नजर वहीं खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ आप लोगों की सेहत में भी सुधार होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है कि मान लीजिए शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन को ही सबसे ज्यादा परेशानी आती हो, तो भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, भैरव भगवान के मंदिर में जाइए और वहां पे शराब का भोग लगाइए। ऐसा करने से शत्रु ने जो भी टोना टोटका आपके ऊपर किया होगा वो सब असर खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय, आप अपने घर परिवार में, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हो, शत्रु कुछ ऐसा तंत्र करा रहा हो आपके घर में जैसे कि उच्चाटन, जिसका प्रभाव बहुत गलत हो रहा हो, आपके घर परिवार में काफी झगड़े हो रहे हो, बन ना रही हो, तो आप घर में ईशान कोण में एक पंचमुखी हनुमान भगवान की एक मूर्ति स्थापित कीजिए, और उस पर नियमित रूप से सिंदूर चढ़ाइए, और वो सिंदूर जो आप चढ़ाएंगे उसका थोड़ा सा टीका रोज सुबह और शाम को अपने माथे पर लगाइए, और साथ ही साथ चमेली के तेल का दीवा भी जलाइए। कोशिश कीजिए मंगलवार को और शनिवार को जरूर कीजिए। ऐसा करने से शत्रु जो भी आपके ऊपर गंदा तंत्र मंत्र यंत्र करा रहा होगा या
जो भी कुछ बुरा करा रहा होगा उसका कोई भी असर नहीं होगा, साथ ही साथ आप लोग सुरक्षित रहेंगे। बस अभी के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।